अब आपको यहाँ बताए छुट्टी के रोज लाहौरियों का तगड़ा नाश्ता, फैमिलीज के हमरा घरों से निकल आए। ग्वाल मंडी में नाश्ते की दुकानों पर रश, नान पाए, मग्स, बोंग और हलवा पूरी से लुत्फंदोज होने लगे शहरी। इस हवाले से मजीद जानेंगे नताशा रहमान से। जी नताशा बताइएगा, ये हो और छुट्टी का रोज हो और मौसम भी खुशगवार हो तो ऐसे में लाहौरी जो हैं सुबह का नाश्ता करने के लिए घरों से बाहर ना निकले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वाल मंडी में, जहाँ जिंदा दिनाने लाहौरी खाबों के शौकीन जो हैं यहाँ पर तरह तरह के नाश्ते करते हमें नजर आ रहे हैं। कोई बोंग खा रहा है तो कोई सीरी पाए खाता नजर आ रहा है, कोई फैमिली के हमरा यहाँ पर आया तो कोई दोस्तों के हमरा यहाँ पर मौसम को भी साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं और नाश्ता भी किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। आप मुझे बताइएगा के नाश्ते में क्या कुछ खाया है, क्या कहना चाहोगे लाहौर के नाश्ते के हवाले से? बेसिकली हम सरगोधा से हैं, इधर स्टूडेंट हैं, तो हमें लाहौर का नाश्ता मतलब ग्वाल मंडी बड़ी फेमस है, तो हम इधर आए हैं। हलवा पूड़ी वगैरह लिए हमने, चने लिए हैं और नान लिए हमने, चाय इधर की अच्छी है। तो बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि सरगोधा से ये आए हैं और लाहौरी जो है वो खानों के लिहाज से, लाहौर जो है वो खानों के लिहाज से पहचाना जाता है। तो मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या कहोगे, लाहौर से बिलोंग करते हो क्या? हम पेशावर से बिलोंग करते हैं, हम पेशावर से आए हैं और बड़ा मजा किया है, आज पहली दफा हलवा पूरी खाई है। बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि पहली दफा इन्होंने पूरी हलवा खाई है और काफी मजा आ रहा है इनको। यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से शहरी है वो भी यहाँ पर खाना खाने आते हैं, नाश्ता किया जा रहा है। जिंदा दिलाने लाहौरिये जो है वो खाबों के लिहाज से पहचाने जाते हैं, तो ऐसे में दिन का आगाज जो है उन्होंने नाश्ते से किया है, तरह तरह के रवायती नाश्ते जो है वो यहाँ। शुक्रिया नताशा रहमान।